आपके सामने एक डेटा है, इस डेटा के अंदर आप देखेंगे कि कुछ माइनस में कुछ प्लस में। अब यहां पे मुझे माइनस को करेक्ट प्लस करना है, प्लस को प्लस करना है, नंबर को एब्सोल्यूट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही उठ के आता है कि ऐसा क्यों करना है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि 85 आपका इनकम हुआ, 95 आपको कैशबैक मिला। जैसे अगर मान लीजिए कि महीने में आपके 30,000 सैलरी मिली और आपको 5,000 जो है कैशबैक मिल गया क्रेडिट कार्ड से, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? 35,000 हुआ ना, क्योंकि 5,000 पैंतीस कैशबैक मिला वो तो आपने खर्च कर चुके हैं ना। सही बात तो जो कैशबैक मिलेगा वो तो माइनस में आएगा ना सर, क्योंकि आपके लिए इनकम है लेकिन उसके लिए तो माइनस ही है ना। तो स्टेटमेंट में तो माइनस ही शो करेगा ना सर। जब दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे तो आपके पास नंबर प्लस और माइनस भी होगा। आपको सब कुछ सम करना है। अगर जनरली सम लगाएंगे तो माइनस मिले तो माइनस होंगे ना, प्लस थोड़ी होंगे। तो करेक्ट हमें इसको एब्सोल्यूट करना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसे एब्सोल्यूट करने के लिए माइनस है, -95 है, तो प्लस में करने के लिए सिंपल माइनस के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये भी अच्छा है, कब? जब सिर्फ माइनस में हो, बट हमारे पास माइनस और प्लस दोनों में है। तो यहां पे लगता है फॉर्मूला एबीएस का, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके सारा पॉजिटिव हाँ, वो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है बट निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, करेक्ट एबीएस का फॉर्मूला। अब यहां पे बारी आती है कि मान लीजिए कि मुझे सीरियल नंबर बनाना है हमें, बट सीरियल नंबर बनाना है रोमन में। तो रोमन ओके नंबर लिखना डिफिकल्ट होता है ना सर। करेक्ट तो रोमन का फॉर्मूला है, आप रोमन फॉर्मूला को वापस नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके इंटरेस्टिंग अब मान लीजिए कि मुझे रोमन को वापस कन्वर्ट करना है किसमें? नंबर नंबर में ओके में। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अरेबिक नाम का फॉर्मूला लगाएंगे। अरेबिक क्या करेगा? इसको वापस नंबर में नंबर। डाल दे नहीं अब बात करते हैं सब टोटल और एग्रीगेट फॉर्मूले की। सब टोटल फॉर्मूला जानते हैं सर क्या जानता हूं करता है? आप फिल्टर लगाएंगे तो जितना रिक्वायर्ड है उसी का सम करके दिखा देगा हाँ, फिल्टर लगाएंगे, इसे नहीं बोल सकते सर। हम बोल सकते हैं इसमें कि जो विजुअल है ना उसकी उसकी वैल्यू देता है, क्योंकि करेक्ट करेक्ट जो तो भी फिल्टर से तो हाइड नहीं होता, हाइड करने का और भी तरीके ना सर। करेक्ट करेक्ट तो यहाँ पे अगर मान लीजिए टोटल लगाते हैं और यहाँ पे सब टोटल करते हैं, तो सब टोटल में आप अपने हिसाब से जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सम करना है, हमने सम का नंबर सिलेक्ट कर लिया टैब से, या फिर नॉर्मली आप 9 लिख भी सकते हैं, कॉमा लिख दिया और डेटा को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अगर मान लीजिए फिल्टर लगाते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए अजीत का फिल्टर लगाया तो यहाँ पे सिर्फ अजीत का टोटल आ रहा है, ओवरऑल टोटल नहीं आ रहा है, नॉर्मल सम में पूरा आता है। करेक्ट यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम होती है, किसी भी फॉर्मूले का इनपुट अगर आप एरर देते हैं तो आउटपुट एरर ही आएगा, करेक्ट करेक्ट ठीक है? अब हाँ मुझे यहाँ एरर को स्किप करना है। तो एरर को स्किप करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला एग्रीगेट का। मुझे सब टोटल की तरह फीचर चाहिए और एरर को भी इग्नोर करना है, तो एग्रीगेट फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एग्रीगेट फॉर्मूला, अब यहाँ पे मैं मान लीजिए 9 है, हमने 9 को लिया कॉमा। अब यहाँ पे इग्नोर क्या करना है सो देख लीजिए। तो मुझे इग्नोर करना है यहाँ पे हिडन एंड एरर वैल्यू, ठीक है? ओके और फिर हमने डेटा को सिलेक्ट कर, तो यहाँ देखिए टोटल आ रहा है, सब टोटल में एरर आ रहा था बट यहाँ पे टोटल करेक्ट ये नया हो गया मेरे लिए एग्रीगेट फॉर्मूला। अब एग्रीगेट फॉर्मूला के बाद बार बार चलते हैं, अब बात करते हैं डेसिमल्स के बारे में। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कुछ डेसिमल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो इसको राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। पहला है राउंड फॉर्मूला, वो क्या करता है? नियरेस्ट देता है राउंड करके, नियरेस्ट राउंड है, 0 दिया तो ये आपको करेक्ट 24 दिखा देगा। दूसरा आता है राउंड 24 हो जाएगा राउंड डाउन। राउंड डाउन क्या करता है? वो हमेशा नीचे का दिखाता है,
ये आपको 32 हुआ, मान लीजिए अगर ये 32.99 भी होता फिर भी वो 32 ही दिखाएगा, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है राउंड अप। राउंड अप फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमेशा अप में दिखाता है, करेक्ट, ठीक है, तो राउंड के फॉर्मूले आते हैं। अब राउंड अप से एक एग्जांपल मैं देता हूं। हमारे पास क्या होता था कि बुक नंबर होते थे। मैं एक कलेक्शन सेंटर में काम करता था, तो कलेक्शन सेंटर में क्या था कि हर किसी को एक बुक दिया जाता था, मतलब कि जो पेमेंट लोन की कलेक्शन थी तो उनको एक बुक दिया जाता था, रसीद दिया जाता था, ताकि कस्टमर को वो रिसीविंग दे सके, और उसकी चेकिंग होती थी बराबर, क्योंकि जिसके पास रसीद बुक है वो पैसा कस्टमर से उठा सकता है। ओके, और कस्टमर से पैसा उठा लिया, ओरिजिनल रसीद है हमारा, होलोग्राम होता है उसपे, तो बैंक को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी जब फ्रॉड होती थी तो हमें पता, हमें जो है ना ये पता करना होता था कि किस बुक नंबर का है, बुक है, पेमेंट अपडेट नहीं हुआ, तो बुक नंबर 50 स्लिप होते थे और सीक्वेंस होते थे, जैसे एक से लेके 50 है। अब दूसरा बुक जो होगा वो क्या होगा, 51 से 100 होगा। तीसरा बुक क्या होगा, 101 से 150 होगा। चौथा वो 151 से 200 होगा। इस तरह सीरीज चलती थी सर। ओके, अब मेरे पास जो है वो आता था वैल्यू कि भाई 123 का किसने किया हुआ है। तो अभी क्या है कि यहां हमारे पास डेटा है तो हम वी लुकअप में वो लगा सकते हैं ना, करेक्ट करेक्ट, ग्रुप वाला जो लास्ट नंबर वन कर देंगे। करेक्ट, क्या होता था कि ए भी नहीं होता था, सिर्फ बुक नंबर और नेम होता था। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, क्योंकि अगर ए होगा तो हम सिंपल से क्या करेंगे, वी लुकअप लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे 3.0 के जगह पे 1। ये कविता आ गया 123 में, ए, क्या करेक्ट, लेकिन हाँ बिल्कुल, किस बुक का पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग बुक नंबर निकालने के लिए राउंड अप का फॉर्मूला लेते थे कि राउंड अप इसको हमने डिवाइड किया 50 से और 0, समझे, आ गया 3 नंबर, 50 से डिवाइड किया। एक पे एक बुक में 50 पेज है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है सर। हाँ हाँ, अब वापस आ, अब एम राउंड, इसमें एक हमारे पास मल्टीपल राउंड होता है एम राउंड। जैसे मान लीजिए आपके 50 गिफ्ट को 70 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 70 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली तो होगा नहीं, नहीं इक्वली तो नहीं होगा। तो एट क्लास में हम लोग एक क्लास में हम लोग एक सवाल का हल निकालते थे कि वो संख्या ज्ञात करें जो 50 के नजदीक हो और 70 से भाज्य हो। एम राउंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मल्टीपल राउंड, 50, 70, एंटर 51। ओके ओके, तो हमने नंबर्स को राउंड करना सीखा, राइट, डेसिमल्स को। अब मेरे पास इसमें आता है कि क्या मैं नंबर्स को राउंड कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कोको कोला, एक कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, पार्टी से मुझे एक ऑर्डर आया 45,630 बोतल चाहिए। अब मैं लूज नहीं बेचता, मैं बेचता हूं कैरेट, और कैरेट जो होता है 12 का होता है। अब मुझे उनको ये बताना है कि भाई आपको हम 30 नहीं दे सकते, कैरेट के हिसाब से नजदीक क्या होगा, मतलब कि हमें 12 का मल्टीप्लेक्स दिखाना है इसमें,
जैसे हुआ ना कि भाई आपको 100 रुपए का मल्टीप्लेक्स होता है, आपको 251 है तो 251 नहीं, आपको 300 देना होगा, क्योंकि हम लूज नहीं लेते, समझे? तो उसी केस में यहाँ पे यूज होता है सेलिंग, सेलिंग या सेलिंग में दोनों एक ही फॉर्मूला है। इसको सिलेक्ट किया और हमने सिग्निफिकेंट को सिलेक्ट किया, एंटर मारा तो 45,636 होना चाहिए, तो वही समझेंगे? आप करके डिविजिबल फॉर्म में कर दिया भाग हो सके। इसने आप नहीं किया, इसने बताया कि अगर 12 कैरेट के हिसाब, 12 के ग्रुप के हिसाब से 630 के से ऊपर 636 आएगा, समझे? मान लीजिए आप FD करने जा रहे हैं, राइट? तो आपने बोला कि मुझे 45,230 रुपए के FD करनी है। बैंक बोलता है कि मैं FD करते हैं 500 का मल्टीप्लेक्स, मतलब आपको 45,500 देना। करेक्ट। ये चीज निकालने के लिए हम यूज करते हैं सेलिंग, सेलिंग या सेलिंग मैथ, वो आपको निकाल कर देगा कि 45,500। समझ में आया आपकी? नहीं सर, सेलिंग वाला तो समझ में नहीं आया। सेलिंग समझ में नहीं आया आपको? नहीं, मतलब अभी इतफाक ये हुआ अभी कि आप ही ने सुबह अभी जो भी जितना ही फॉर्मूला बताया ये सब बोला कि एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, लेकिन यही सब फॉर्मूला ही यूज करता हूं मैं। हाँ, मैंने क्या बोला कि ये मैंने ये बताया आपको, एक्स्ट्रा नहीं बताया, हम बताए कि इन फॉर्मूलों का डायरेक्ट यूज नहीं, फॉर्मूले लेकिन मैं कह रहा ऑन हूं कि फॉर्मूला हम साबित किए। मैं इन्हीं का मतलब डायरेक्ट यूज करता हूं, चलिए, अच्छी बात मतलब मेरे वर्क से रिलेटेड है और डायरेक्ट है। है। बट तो सेलिंग सीलिंग समझ, बता दीजिए। सेलिंग समझ में आया कि नहीं आपको? सर नहीं, यूज मैंने किया है लेकिन सब आपका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। सर सेलिंग मैथ का मतलब होता है, आप सिंपल से बात हुआ ना कि आपको 5 मल्टीप्लेक्स निकालना है। आपको सेलिंग एंड फ्लोर दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे आपने नंबर यहाँ पे डेसिमल राउंड किए ना सर, हाँ करेक्ट। उसे नंबर राउंड करना है। सिंपल सी बात ओके समझिए ना कि आपका एटीएम, एटीएम का एग्जांपल लेते हैं, एटीएम जो है वो आपको 100 से कम का नोट नहीं लेता है, देता है? देता नहीं, है। नहीं, हाँ नहीं लेता। तो अगर आपने एटीएम में कुछ ऐसा फिट करना है कि जो भी अमाउंट अगर आप डालेंगे, अगर वो अमाउंट 100 के कंट्रीब्यूशन में फिट नहीं बैठता है, तो आपको एक अमाउंट सजेस्ट करेगा। करेक्ट करेक्ट। जैसे आपने अगर डाल दिया कि मुझे 132 रुपए चाहिए, तो आपको 200 रुपए सजेस्ट करेगा। तो करेक्ट, एब्सोल्युटली। इन चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेलिंग का, समझे? 100 का मल्टीप्लेक्स क्या होगा? 132 जो हमने दिया, 132 नहीं हो सकता 100 का मल्टीप्लेक्स, तो 100 का मल्टीप्लेक्स होगा क्या? 200। 200, समझे? अच्छा, 100। हाँ, 100 का मल्टीप्लेक्स क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया। आ गया ना? वैसे ठीक, 500 का मल्टीप्लेक्स क्या होगा, एक्चुअली ये ऐसे 12 नंबर का मल्टीप्लेक्स क्या होगा? पे एप्लीकेबल हो गया। हाँ आया समझ में आपको? करेक्ट, कर अब इधर आ गया। और राउंड वाला है, डेसिमल पे एप्लीकेबल है, और ये नंबर पे एप्लीकेबल जी, है मल्टीपल मल्टीपल देखने के अब लिए। इसमें भी राउंड, ये क्या है, राउंड अप है ना, ये अपर करता है, ज्यादा दिखाता है। लेकिन आपको बोला गया कि अच्छा ठीक है, 45,000 आपको जो है 200 नहीं निकालना है, तो कोई 200 अकाउंट में नहीं है, तो कितना निकाल सकता हूं मैं? तो तो उसको निकाल बोलते सकते हैं हैं। फ्लोर, फ्लोर या फ्लोर मैथ 100 का सिग्निफिकेंट। तो बताएगा आप 100 यहाँ, सॉरी 100 है, हाँ 200 का सिलेक्ट करेंगे 100, ठीक है? तो आप ठीक, बताएंगे आप 100 निकाल करेक्ट। सकते। जैसे मान लीजिए ना, आपने बोला कि 832, मान लिया एटीएम में 1,000 के, 500 के नोट पड़े हैं, 1,000 के नोट पड़े, ठीक है? और 1,000 के नोट पड़े हैं, तो अगर आपने बोला कि मुझे अगर 22,336 रुपये, 636 रुपये निकालना है, राइट? ज्यादा होगा, करेक्ट। तो 1,000 का सिग्निफिकेंट होगा, तो आपको बताएगा कि आप ये निकाल सकते हैं, ये लोअर बताता है, ओके। ठीक है ना? कि आपने जैसे कि ऑर्डर मुझे मिला, ये ऑर्डर मिला ये 45,630 का, मैंने बोला कि 30 नहीं 36 दूंगा, तो बंदा बोला कि मुझे कम भी चलेगा, कम क्या कितना ले सकते हैं, तो फ्लोर आपको कम दिखाएगा, ठीक है? ठीक है, क्लियर। अब डेसिमल्स के बाद बात करते हैं। अब डेसिमल तो हमने सीख लिया, अब
अब डेसिमल के बाद बात होता है कि अगर मुझे डेसिमल को एक्सट्रैक्ट करना हो तो कैसे, 12.36 है, मुझे इसका 0.36 अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे? मैं यूज नहीं किया कभी। अलग करने के कई तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तरीका है कि आप, आपके पास एक फॉर्मूला होता है इंट का। इंट क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है, मतलब कि उसकी डेसिमल को रिमूव कर देता है, राइट। तो आप इसके लिए ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं कि नंबर माइनस इंट, और इंट में हमने सेलेक्ट कर लिया अपना डेटा, समझे, मतलब विथ डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल, आ गया डेसिमल। अब एक फॉर्मूला और बताते हैं जो इस पे वापस आऊंगा। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है मोड का। अच्छा एक सर, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो राउंड बताया आपने ऊपर 23.96 D8 में, हाँ, अब मान लीजिए यह यहाँ इसका इसका पूरा 23, 32, 852, इसका मान लीजिए कंट्रीब्यूशन निकाले तो 100% है, मान लीजिए कॉलम डी 100% है, जब राउंड हम कर दिए तो राउंड करके भी 100% होगा या नहीं होगा? नहीं, बताता हूँ आपको, ये जो राउंड होता है ना, यहाँ में जीरो दिए हुए, जीरो का मतलब हुआ डेसिमल को रिमूव करना, ठीक है ना, और नियरेस्ट दिखा। हाँ बिल्कुल, एक्यूरेट एक्यूरेट, नियरेस्ट दिखाना। डिजिट डालते कि वन टू डिजिट थ्री डिजिट, तो थ्री डिजिट जो 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 डिजिट डालेंगे वो आएगा, और आपने बोला कि यहाँ पे परसेंटेज में लगाओ, तो परसेंटेज में राउंड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसको 100% कर देगा। अगर आपका होगा 0.23 आपका 100% दिखा देगा। देखिए आप, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 70%, डाल दिया ना सर, हाँ, ये देखिए वन आ गया, ओके। अगर मैंने यहाँ पे 23% डाला तो जीरो आया, ठीक है सर, परसेंटेज पे काम नहीं करेगा। परसेंटेज पे काम कराने के लिए, हम बात कर रहे हैं मोड का। मोड मतलब कि रिविंडर, सेस पर, जानते हैं सर क्या होता है सेस पर? हाँ हाँ, लास्ट में रिमाइंडर जो बच जाता है, तो ये आपका मोड फॉर्मूला उसी का यूज करते, ठीक है, कि अगर 14 को 5 से डिवाइड करें तो 4 शेष फल आएगा, ओके। अब बोलेंगे इसका क्या यूज है, तो मैंने एक इंटरव्यू में इससे पूछा था सवाल, मैंने बोला, उसने पूछा कि मैं बीएससी इन मैथमेटिक्स हूं, जिसने बोला था बीएससी इन मैथमेटिक्स, कि मैथ में अच्छी कमांड है आपको, वो और गर्व के साथ करता है, सर 73% लाया हूं मैथ में, ओके। मैंने बोला ठीक है यार, देखता हूँ, छोटा सवाल पूछता हूँ। मैंने बोला उसको कि मुझे इसमें डेसिमल अलग कर दे, दिख रहा है सर आपको, ओके, और मुझे मोड यूज करना है, तो मोड का यूज करके आप डेसिमल निकाल दो, निकलेगा सर, ओके। हेलो, आवाज रुक गई सर आपकी, आपका रिप्लाई कर रही, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। हेलो सर, आवाज आ रही थी आपको, अभी आवाज क्रैक हो रही थी सर, अभी ठीक है? अभी ठीक है। मैंने पूछा कि मोड फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मुझे डेसिमल अलग करके दीजिए, क्या पॉसिबल है? मोड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, मोड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, सिंपल, यही तो चाहिए होता है, यही तो एक ऑटोमेशन, एक रिपोर्ट ऑटोमेशन वाले बंदे को यही तो सोचना होता है,
किस फॉर्मूले को हम कहां यूटिलाइज कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या रिटर्न करता है उससे कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूला कहां फिट कर सकते हैं इस पे ध्यान देना होता है। एमएससी इन मैथमेटिक्स इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, जबकि ये तीसरा क्लास का सवाल है कि एक सिंपल सी थ्योरी मेथड है, थर्ड क्लास में होता है, किसी भी नंबर को अगर आप वन से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जीरो आता है, लेकिन अगर नंबर डेसिमल में हुआ तो उसका रिमाइंडर उसका डेसिमल आता है। तो अगर मैं 12.36 को वन से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आएगा सर, 0.36। हाँ, तो यहाँ पे हमने इसी चीज का यूज किया मोड, और हमने यहाँ पे वन कर दिया। अब इस बात को बंदा भूल गया हो, बोलता सर ये तो फॉर्मूले इसका इस्तेमाल थोड़ी होता है, तो हमने बोला ठीक है हमारे सिस्टम में टुडे का फॉर्मूला है, आप ऐसा बोल रहे हैं चलिए ठीक है टुडे का फॉर्मूला, जो कि क्रेन सिस्टम डेट देता है, और मेरे पास नाउ का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। करेक्ट, मेरे पास कोई टाइम का फॉर्मूला नहीं, तो मुझे सिर्फ टाइम चाहिए तो क्या करूंगा मैं, बात समझ में आया सर आपको? हाँ समझ में आया, सिर्फ टाइम चाहिए तो इसमें से निकालना पड़ेगा। जब किसी भी टाइम को जनरल फॉर्मेट में करते हैं तो नंबर जो होता है वो डेट होता है, जो डेसिमल होता है वो टाइम होता है, क्योंकि एक्सेल में 1 = 24 hours = 1 day डेसिमल निकाल सकते हैं मोड के थ्रू। हाँ, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि मोड, और यहाँ पे दे देंगे नाउ और कॉमा वन। सबसे इजी फॉर्मूला है टाइम निकाल, हालांकि टाइम निकालने के लिए और भी फॉर्मूले है, माइनस कर सकते हैं, इंट लगा सकते हैं, या फिर नाउ नाउ माइनस टूडे कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी फॉर्मूला है। करेक्ट, ओके जी सर। चलिए अब बाकी कुछ फॉर्मूले एलसीएम निकालना, जीसीडी निकालना, कॉमन गेस्ट डिवाइडर मतलब महत्तम जो होता है ना लघुत्तम महत्तम वो निकालना, ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, ओके, ये मैथमेटिकल्स में ये है, अब कॉस थीटा साइन थीटा डेसिमल फैक्टोरियल नंबर फैक्ट फैक्टर वर्ल्ड दिखे ना आपको सर, एक्स बचते हैं ना फैक्टोरियल नंबर निकालता है, एग्जाम्पल दिख रहा है, तो मुझे लगता है इवन इवन नंबर दिखाता है और ऑड नंबर दिखाता है, ये सब का यूज तो उतना होता नहीं, ये तो मैं जो इग्नोर कर रहा हूँ आपको। अब इसमें एक चीज और है, आप बात करते हैं सब टोटल तक हम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट निकालता है, हम सम फॉर्मूला तो नॉर्मल पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सम इफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखिए पूजा कई बार रिपीटेड, राइट, अब मैं अगर सम का फॉर्मूला लगाता हूँ तो सम देता है, सम देता है, करेक्ट, नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे एन लगा हुआ है, सम देता है, बट मुझे यहाँ पूजा का सम चाहिए, किसका सम चाहिए, पूजा का ही सिर्फ सम चाहिए, तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ, सम विद कंडीशन, सम इफ। अभी सम इफ के तीन फीचर है, पहला है रेट कि आपको पूजा किसमें मैच करना है, हमने बोला कॉलन ए में, फिर आता है क्राइटेरिया इसमें क्या मैच करना है, हम बोला पूजा, फिर आता है सम रेंज, ठीक है, तुमने सम रेंज को सिलेक्ट कर दिया, देन तो रिजल्ट आ गया 1149। करेक्ट, मैं बताता हूं कि मुझे यहां आरके का टोटल चाहिए, तो यहां हम करेंगे सम इफ रेंज, आरके को सिलेक्ट किए और हम यहां पे सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, आ गया सर? इतने से मतलब वी लुकअप की तरह ही काम किया है? नहीं, वी लुकअप तो वैल्यू लुकअप करता है, ये वैल्यू को सम करता है, वैल्यू को सम करता है। क्या करता है VLOOKUP, क्या करता है, जैसे उसको पहले वैल्यू मिलती है उसको शो कर देता है, राइट, जैसे पूजा अगर 20 बार, करेक्ट, लेकिन ये हाँ, ये सम कर दे रहा है, हाँ, पहला पूजा मिला वो उसने क्या किया उसको लुकअप कर दिया, बाकी सारे पूजा को इग्नोर कर दे, सम इफ क्या करता है कि सारे पूजा को इकट्ठा करता है, उसकी वैल्यू को सम करके यहाँ पे शो करता है, करेक्ट, ठीक
करेक्ट अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि मुझे पूरा नहीं, मुझे अब इसमें से ग्रेटर देन 50 वाले को सम करना है, ठीक है। मान लीजिए 50 से ऊपर वाले इसने क्वांटिटी सेल की, उनको हमें इंसेंटिव देना है, तो मैं देखना चाहता हूं कि ओवरऑल इंसेंटिव कितना बनेगा। तो मुझे सबका टोटल चाहिए ना, लेकिन टोटल में उसी को कंसीडर करना चाहता हूं जिसकी क्वांटिटी 50 से बड़ा है। तो यहां भी हम सम इफ का यूज करें, सम इफ रेंज क्राइटेरिया, रेंज क्राइटेरिया, रिजल्ट आ गया। अब यहां पे दो चीजें हैं। पहली चीज है कि आपने ऊपर देखी है, मैंने इसके अंदर तीन इनपुट डाले, इसमें हम दो ही इनपुट डाले, तो गौर से देखिएगा तीसरा जो है सम रेंज वो ऑप्शनल है। तो अगर आपकी क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों एक ही है, तो आपको क्राइटेरिया रेंज देने की, सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। ओके, आप दे सकते हैं, देने की जरूरत नहीं, ठीक है सर। ग्रेटर देन एबव का सम ले ली, जी सर। अब बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कुछ नंबर्स इस तरह से डले हुए हैं, इसमें ग्रेटर देन का साइन नहीं लगा, तो क्या मुझे सम का साइन लगाना पड़ेगा? अब तीन है तो लगा लेंगे, लेकिन 300 में तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ का, और हम देते हैं रेंज, और क्राइटेरिया में यही पे हम कंबाइन कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर इसको एन परसेंट 65, 36, ठीक है। हाँ, और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट आ जाता है 65 के above 36 के above। अब इस तरह से आप लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। विदाउट इसमें नहीं, क्लियर। बात आती है कि मान लीजिए कि यहाँ पे पूजा भी है और कहीं पे कुमारी पूजा है और कहीं पे पूजा सिंह है। ओके, तो अगर मैं पूजा का टोटल लिया हूं ऊपर में, तो यहाँ इधर नहीं पूजा बढ़ानी, क्योंकि इसने इस पूजा कुमारी पूजा और पूजा सिंह को कंसीडर ही नहीं किया, नहीं किया। तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सॉरी माफ कीजिए, स्टार के अंदर, स्टार के अंदर पूजा को लगाना होगा, इसके अंदर वी लुकअप लगाया। हाँ, वो कंटेंट आ जाए, कंटेंट पूजा तो उसका सम इफ, सम इफ में हमने रेंज को लिया, क्राइटेरिया एंड सम रेंज, तो दोनों आए कंटेंट, दोनों आए करेक्ट कंटेंट। अगर पूजा लिख के स्टार देते हैं तो एंड स्टार्ट विद पूजा, और स्टार लगा के पूजा लिखते हैं तो एंड विद पूजा, एंड विद पूजा, है सर? बिल्कुल। अब इसमें बात करते हैं हम, अगर इसमें एक चीज और भी है, अगर आपने दो क्वेश्चन मार्क दे दिया तो क्या होगा, दो लेटर वाले सारे वैल्यू को सम कर देगा, ओनली फॉर टू लेटर्स वाले वैल्यू, टू लेटर्स वाले, ठीक है, आर के ओम को सबको सम कर देगा। अब बात करते हैं मल्टीपल कंडीशन, कि मुझे मोहन का सेल चाहिए बेस्ट कर्म, एरिया बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस, उसमें यूज करेंगे हम फॉर्मूला सम इफ्स का, सम सम इफ्स में हमने या अपना सम रेंज, पहले देना होता है सम रेंज, थोड़ा उल्टा चलता है, फिर देना होता है क्राइटेरिया वन रेंज, देन क्राइटेरिया क्राइटेरिया टू रेंज, है ना, टू रेंज, एंड क्राइटेरिया टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ऐसे क्राइटेरिया को आगे लगा सकते हैं। रिजल्ट आ गया 93, ठीक है सर। ओके, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसमें सम इफ्स में भी इस सारे क्राइटेरिया लगा सकते हैं जो कि हमने सम इफ में लगाया। ओके, ओके, अब बात करते हैं एवरेज, तो नॉर्मल हम किसी भी वैल्यू का एवरेज निकाल सकते हैं ना, एवरेज फॉर्मूला क्या करता है, एवरेज निकालता है, इस ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, इसी में हमें
एवरेज ए है एवरेज देता है पूरे रेंज, ट्रू एंड फॉल्स हाँ करता है। अब यहां पे जो अगला ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट सम एवरेज इफ का, मैं पूजा का एवरेज है कि 449 जो सेल हुआ है किस एवरेज से हुआ, तो इसके लगाएंगे एवरेज इफ का फॉर्मूला। एवरेज इफ का फॉर्मूला जस्ट लाइक सम इफ का फॉर्मूला, रेंज क्राइटेरिया समझ में आ गया ये भी, और इसी तरीके से बाकी सारे लगे मल्टीपल कंडीशंस है तो यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला एवरेज इफ्स का, रेंज ऑफ एवरेज क्राइटेरिया वन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू। ओके सर, अब एवरेज के बाद, एवरेज के बाद आता समझ गया सर काउंट का फॉर्मूला। अब काउंट के प्रमुख फॉर्मूला होते हैं, एक होता है काउंट जो कि सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है टेक्स्ट को नहीं, एक होता है हमारे पास काउंट ए का फॉर्मूला जो कि नंबर है नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, और अगला आता है वो आता है काउंट ब्लैंक जो कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। ठीक है, जितना ब्लैंक सिलेक्ट करते होंगे वही काउंट करके देगा। अब अगली बारी आती है काउंट इफ का, मतलब काउंट विथ कंडीशन। ठीक है सर, इसमें पूजा कितना बार है ये काउंट करके आपको दे देगा। अब अगला जो अकाउंट इफ, आप ये सारे कंडीशन यूज कर सकते हो जो कि आपने सब इफ यूज किया। काउंट इफ में पूजा कितनी बार है वो 8 बार दे दिया, यही है सर काउंट इफ। जी जी ठीक, और इसमें भी आप ये सारे कंडीशन लगा सकते हैं काउंट, ओके आपने सम इफ और एवरेज इफ में लगाया। और मल्टीपल कंडीशंस के लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे काउंट इफ्स आईएफएस। ठीक है, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू दिया कि दो बार, समझ गया। हाँ सर, अब अगला आता है मैक्स, तो मैक्स का फॉर्मूला जो कि मैक्सिमम वैल्यू निकालता है कि इसके हाईएस्ट कितना है, तो ये आपको हाईएस्ट 4 5 ये दिख जाती है, मतलब नीचे टोटल का रखा है, ले लिया इसको भी ले लिया, कहीं होगा तो 230 है मैक्स, ट्रू फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, मैक्स ए जो है ट्रू फॉल्स को कंसीडर करता है। अब एक मैक्स इफ नहीं है यहाँ, मैक्स इफ्स है। ठीक है, आप में आया है इसलिए मैक्स इफ्स है। मैक्स इफ में आप रेंज ऑफ मैक्स और पहली क्राइटेरिया क्राइटेरिया आप ले, दूसरी क्राइटेरिया तीसरी क्राइटेरिया, जैसे आपने सम इफ एवरेज इफ काउंट इफ्स यूज किया है, ऐसे आपका मैक्स इफ होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का मैक्सिमम वैल्यू देता है। ओके, समझ गए, समझ में आ गया सर। फिलहाल इसमें नहीं, काउंट इफ ये वाला भी मैक्स भी यूज किया हुआ है, यूज करते हैं हम लोग रेगुलर लगभग। ठीक है सर, तो आगे पढ़िएगा या अभी काफी ज्यादा हो गया। नहीं ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सर सिर्फ पढ़ने से नहीं होता ना, प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगले सैटरडे को हम बात करेंगे स्टैटिकल फॉर्मूला, डेटाबेस फॉर्मूला एंड फाइनेंशियल फॉर्मूला। अगले सैटरडे संडे में फॉर्मूला के चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, आज वाला जैसे मैंने बोला ना कि ये बहुत सारा चीज बताया आपने शुरू से लेकर आज तक, ये वाला आज वाला मैं डे टू डे में यूज करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, कल मिले, सॉरी मंडे में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, सैटरडे, ठीक है सर।